So today we have the very versatile, the very talented playback singer who has given numerous hits, right from Badri ki Dulhaniya to Chalti Hai Kya 9 se to his latest one being heartthrob from the movie Rocky or Rani ki Prem Kahani. Well, it's none other than Dev Negi. Thank you, Anjali. Dev, a very warm welcome to you. Thank you so much for uh, inviting me here. सदेव so, आपका अभी हाल ही में एक गाना आया है हार्ट थ्रॉप जिसने पूरी धूम मचा रखी है इट हैज़ बीन टॉपिंग द चार्ट्स एंड ऑफ़ कोर्स इट स्टार्स रणवीर सिंह जानवी कपूर वरुण धवन सारा अली खान तो पूरा आग लगा रखी है इस गाने ने सबकी ज़ुबान पे चढ़ गया है ये गाना हमें इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कैसा रहा इस गाने को बनाने का सफ़र और क्या कुछ क्या मेहनत जो गई है इस गाने को बनाने में उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए वेल uh, well, uh, ये गाना मैंने एक्चुअली uh, एक साल पहले रिकॉर्ड किया था और uh, क्योंकि गाने पहले बन जाते हैं फिर शूट uh, होता है तो प्रीतम दास के कंपोज़र हैं उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया कि आपको ये गाना डब करना है और इसमें रणवीर सिंह हैं और वो गुड़गांव के एक हंक हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं पंजाबी लड़के हैं तो वो ब्रीफ मुझे दिया गया था और प्रीतम दा ने कंपोज भी वैसे किया था और अमिताभ जी ने उसे लिखा भी उसी तरीके से कि प्राड़ा गुच्ची ने मिल पुत्र पैदा किता ये सब उसके लिरिक्स इतने के थे तो मुझे एक अच्छा अप्रोच मिल गया था एक अच्छा वॉइस टोन बनाने का मौका मिल गया था नहीं कि मैं रणवीर के लिए भी गा रहा हूँ तो किस तरीके से गाऊँगा अगर इस गाने की अप्रोच कैसे रखूँगा मैं तो फिर मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया और फाइनली उनको पसंद आया और कुछ टाइम बाद मैंने उसका दूसरा स्टैंडा भी रिकॉर्ड किया क्योंकि वो तब तक बना नहीं था तो दूसरा स्टेंजा मैंने कुछ टाइम बाद रिकॉर्ड किया और फाइनली जब ये गाना आया और जब मैंने इसे देखा थिएटर में कि इसमें इतने सारे कैम्यूज़ हैं और मुझे और जो शूट किया इस गाने को करण जौहर जी ने कमाल का शूट किया और लोगों का जो इस पर रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत अच्छा है और आई एम सो हैप्पी अबाउट इट और ये आपका दूसरा गाना है रणवीर सिंह के साथ पहला आपका सिम्बा में था और अब ये गाना रणवीर सिंह के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ मुझे बहुत ही मतलब मज़ा आता है उनके लिए गाना क्योंकि उनका जो नेचर है और जो पिक्चर में उनको जो जिस तरीके का वो अप्रोच रखते हैं गाने, गाने के ऊपर डांस करते हैं पहला गाना जो मेरा सिम्बा में आता है वो भी टाइटल ट्रैक था और ये भी उनका एक एंट्री सॉन्ग है वो भी एंट्री सॉन्ग था तो आई एम सो हैप्पी कि मुझे उनके लिए फिर से गाने का मौका मिला और उनकी जो एनर्जी से आवाज़ को मैच करना ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल आते हैं उसमें बट आपको उसको करेक्ट करके करना होता है स्टूडियो में जब आप डब कर रहे होते गाने को तो बहुत ही मजा आया मुझे ये करके रणबीर के लिए गा के देव आपने जब ये गाना गाया था हार्ट थ्रॉप तब आपको लगा था कि ये इतना धमाल मचा देगा सबकी जुबानों पे चढ़ जाएगा आ, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था मुझे गाना बड़ा पसंद था बट इतना आइडिया नहीं था कि लोग इसे इतना प्यार देंगे और इस गाने को जिस तरीके से शूट इतने लार्ज कैनवस में शूट किया है वो सब चीज़ें मिलाकर जब पूरा कॉन्टेंट बनता है तो मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा कंटेंट बनेगा और लोग इसे इतना प्यार देंगे बट अभी लोगों ने इसे प्यार देना शुरू किया है। लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए देव जब आप कोई गाना रिकॉर्ड करने जाते हैं तो क्या आपको इस चीज़ से आ, कुछ फ़र्क पड़ता है कि कौन सा हीरो उस गाने में आ, होने वाला है क्या आप पहले ये चीज़ें जानते हैं एंड क्या उस चीज़ से आपके गाने पे कोई असर पड़ता है आ, ये जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि हर पर्सनालिटी अलग अलग होती है जैसे जब मैं वरुण के लिए गाता हूँ तो वरुण के और उसमें जो स्क्रिप्ट है उसकी वो जैसे यूपी बिहार का स्क्रिप्ट था बद्री की दुल्हनिया में तो उसका लैंग्वेज थोड़ा सा बेबी के देखे झुमके लगा दे गुजरिया जैसे इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनको कैसे बोलना है एक छिछोरा लड़का बोल रहा है कैसे बोलेगा तो ये उसके प्लॉट में जाके उसका पता करना कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है तो एक अप्रोच आप उस गाने को नहीं दे सकते हैं तो हर गाना इसीलिए एक दूसरे से अलग अलग साउंड करेगा जब आप उसकी बैक स्टोरी में जाओगे तो तो ये मैं जानना हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि इस जो कैरेक्टर है वो कहाँ का है कौन सी लैंग्वेज बोलता है और किस मूड में है उस वक्त वो वाली सिचुएशन जानना भी बहुत ज़रूरी होती है देव आपने बहुत सारे सुपरहिट गाने दिए हैं चाहे वो स्वीट हार्ट हो चाहे वो चलती है क्या नौ से बारह हो आला रे आला सिम्ब आला या फिर अभी आपका हाल ही में आया गाना हार्ट थ्रॉप पर ये सारे ही गाने पार्टी सॉन्ग्स रहे हैं डांसिंग नंबर्स रहे हैं क्या अब आप सोचते हैं कि थोड़ा सा रोमांटिक गानों की तरफ जाया जाए इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने रोमांटिक ट्रैक्स ही गाए थे तनवरू में गाया था और गबेज बैक में गाया था गाना बट वो गानों की रीच उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी और जब बदरी की दुल्हनिया हिट हो गया तो एक स्टैम्प लग गया कि ये बंदा जो है ये सिंगर जो है इस टाइप के गाने बहुत अच्छे गाता है और इंडस्ट्री में एक बार किसी पे स्टैम्प लग जाती है कि तो ये गाना उसी उस जोन का गाना फिर वही सिंगर गाता है तो मेरे लिए अभी ये अच्छी बात भी है बट मैं उसे अपना जो खुद का जो मैं अपने इंडिविजुअल जो गाने बनाऊँगा उस पर मैं ये काम कर रहा हूँ कि उसमें कुछ रोमांटिक नंबर सैड नंबर गज़ल इस टाइप के सॉन्ग्स में अपने इंडिविजुअली करूँ ऐसी चीज़ें जी देव आप उत्तराखंड से आते हैं आपने इंडस्ट्री में पैर रखा और आज आपने अपनी छाप छोड़ी है इंडस्ट्री में इतने सारे सुपरहिट गाने दिए हैं अपनी जर्नी के बारे में बताइए कैसी रही है ये जर्नी आ, मैंने बचपन में ही स्टार्ट कर दिया था गाना आ, तो वहाँ पे शिव टेम्पल था वहाँ गाया करता था फिर उसके बाद घर में थोड़ा म्यूजिकल माहौल था गाने चलाए करते थे फिल्मी गाने दा के तो उन पर मेहनत करता था गाता था साथ साथ में तो मन में आया कि मैं भी एक दिन सिंगर बनूंगा बड़े होके तो फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए तो फिर मैं पंजाब से आ, मैंने उसमें बैचलर डिग्री किया मैंने संगीत सीखा फिर फाइनली मैं मुंबई आ, अपने सपने साकार करने के लिए आया और काफ़ी मेहनतों के बाद मुझे फिर गाने मिलने स्टार्ट हो गए अभी तक कौन सी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया है और कौन सी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ अभी आप काम करना चाहेंगे Uh, मैंने अमित त्रिवेदी जी के लिए काम किया है प्रीतम दा के लिए किया है विशाल शेखर जी के लिए किया है uh, ये सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत गुनी हैं हमसे बहुत सीनियर हैं और इनका काम uh, को हम पहले से ही जब हम कॉलेज में थे तब से सुनते आ रहे हैं इनके काम को इनको इनके काम काम करना ही बहुत बड़ा सपना होता था हमारे लिए तो uh,